तो गोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार तीर्थ राणा ने सोनीपत विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। तीर्थ राणा ने एडीसी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। गोहाना से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार तीर्थ राणा ने सोनीपत विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। तीर्थ राणा ने एडीसी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। तीर्थ राणा ने कहा कि 30,000 से ज्यादा वोटों से उनकी जीत होगी। अगर गोहाना की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ रुके हुए कामों को पूरा करवाया जाएगा। मैं ये 30,000 से ज्यादा जीत लेकर मनोहर लाल जी के जोड़े में डालेंगे। उनका आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से हम 30,000 से ऊपर जीत के जाएंगे। जिस तरह मेरे को ध्यान में आ रहा बात, गोहाने का बाईपास जाम लगता है शहर में, बाईपास पूरा होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, प्रधानमंत्री जी से मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ युवा जवान साथियों के लिए रोजगार का कुछ रोजगार हो, उसके लिए इंडस्ट्री हब बनाए। वहीं इस दौरान तीर्थ राणा ने कहा कि नेताओं की अनदेखी के कारण गोहाना में विकास के काम नहीं हो सके हैं। सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देना और गांव का विकास करवाना होगा। तीर्थ राणा ने कहा कि गोहाना की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं राजकुमार सैनी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में आकर राजकुमार सैनी ने गोहाना से चुनाव लड़ा है। राजकुमार सैनी तो पहले भी था और सभी अपनी पार्टियों से जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि राजकुमार सैनी जो आया कुछ है, ये एक औपचारिकता है और कहीं बहकावे में आके किसी की साठगांठ से उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 21 अक्टूबर को प्रदेश में मतदान होना है तो 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।